dear students assalamu alaikum today we are going to discuss what an inventory item is as you know that inventory is what we usually sell to our customers or client or we utilize to manufacture a new product which again we sell to our customers now inventory is our asset whenever we buy inventory item the sole purpose is that we are going to sell it to our कस्टमर्स और थ्रू सम प्रोसेस वी आर गोइंग टू एड वैल्यू टू दैट प्रोडक्ट एंड दिल सेल इट टू आर कस्टमर्स सो द मेन प्रोडक्ट द मेन आइटम दैट वी आर सेलिंग इज द इन्वेंट्री आइटम तो इन्वेंट्री आइटम वो आइटम है बेसिकली जिसके बुनियाद पर हमारा बिजनेस चल रहा है जो भी प्रोडक्ट अगर हमारी रिटेल की शॉप है जो भी चीज़ हमारी रिटेल की शॉप में मौजूद है उस तमाम की तमाम हमारी इन्वेंट्री आइटम होती है और आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री आइटम हमारे पास एज एन कंपनी एसेट रिकॉर्ड किया जाता है जब तक कि ये बिक नहीं जाता जब भी ये बिकता है तो इसका एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इसके बिकने से जो आमदन होती है वो हमारी इनकम कहलाती है और इसी तरीके से हमारे पास अकाउंटिंग में इसे रिकॉर्ड किया जाता है और बिल्कुल इसी तरह क्विक बुक्स भी इसे ऑटोमेटिकली अपने पास रिकॉर्ड करता है अब आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं बहुत सारी चीज़ें खरीद के बेचती हैं हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों हो सकता है वो रिटेलर्स हों हो सकता है वो और भी बहुत सारी कंपनियां हों जो ये तमाम इन्फॉर्मेशन ये तमाम चीज़ें ये तमाम आइटम खरीदें लेकिन हम न सिर्फ़ उसको अपने पास रिकॉर्ड करना चाहते हैं बल्कि पूरा प्रोसेस कि किससे हमने किस तरीके से ख़रीदा कब खरीदा किस प्राइस पे ख़रीदा किस प्राइस पे हमने इसे अपने पास मेंटेन किया किस प्राइस पे हमने सेल किया और अपने वेंडर को किस तरीके से पे ऑफ़ किया ये सारी चीज़ें हम अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड करते हैं और हम क्विक बुक्स में भी ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं इसे कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हुआ कि हमारा जो मेन फोकस है बिज़नेस का वो है इन्वेंट्री आइटम की प्रिक्योरमेंट ख़रीदना उसे एंड सेल्स और उसको अपने कस्टमर की क्लाइंट को बेचना और इसके दौरान ये तमाम ट्रैकिंग कि हमने ये किस तरीके से अपने वेंडर से ख़रीदा किस प्राइस पे ख़रीदा कंपेरेटिव अगर बनाई तो क्या बनाई अगर उसको हमने कोई पी दिया तो कौन सा दिया उस पी के अगेंस्ट हमें डिलीवरी कब मिली ये चीज़ कहाँ हमने रखी हुई है इस वक्त हमारे स्टोर में कितना माल मौजूद है उसकी एवरेज प्राइस क्या है और हमारे पास रीऑर्डर लेवल सेट है या नहीं ये तमाम ट्रैकिंग हमारा क्विक बुक्स हमारे लिए कर देता है ये काम फ़िज़िकली मैन्युअली करना बहुत मुश्किल तरफ काम है क्योंकि हमें हर मूवमेंट के बाद मूवमेंट का मतलब है नई चीज़ आना पुरानी चीज़ बिक जाना के बाद हमें ये रिकॉर्डिंग करना हाथ से पड़ती थी और बिन कार्ड्स मेंटेन करना पड़ते थे और उनके साथ स्टॉक कार्ड्स मेंटेन करना पड़ते थे लेकिन ये सारा काम बैक वक्त एक वक्त में जो सिस्टम कर देते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम उनमें से एक है क्विक बुक्स ये तमाम ट्रैकिंग किस वेंडर ने हमने सप्लाई किया उसको हमने पेमेंट कर दी है या नहीं कर दिए कई की है तो किस तरीके से की है किस अकाउंट से की है ये सारी ट्रैकिंग हमें ऑटोमेट कर दी है क्विक बुक्स ने तो हमारे पास अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी मौजूद है विद इन क्विक बुक्स इसके अलावा एक और चीज़ होती है उसे कहते हैं नॉन इन्वेंट्री आइटम अब इसकी हमारे पास रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत क्या है नॉन इन्वेंट्री आइटम वो आइटम होता है जो किसी ना किसी तरह हमारी इन्वेंट्री आइटम को सपोर्ट कर रहा होता है उसे कंप्लीट करना होता है इसको हम सेल उस तरीके से अलहदा से नहीं करते बल्कि इन कंजक्चर मिला मिलाकर अपने मेन आइटम के सेल करते हैं और जो हमारा सेल प्राइस हमने अपने मेन आइटम की तयन की हुई होती है तो उसके अंदर हम आमतौर पर नॉन इन्वेंट्री आइटम की प्राइस भी शामिल कर चुके होते हैं इसका हम उस तरीके से न ट्रैक रखते हैं कि हमारे पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं हम इसे एक्सपेंस आउट करते रहते हैं जैसे जैसे हम इसे कंज्यूम करते रहते हैं चंद मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी मिसाल के तौर पर जब हम सरिया बेचते हैं तो सरिया बेचने के वक्त आपको पता है कि रॉड्स को हम बाइंडिंग वायर से बांधते हैं वो जो हम रॉड्स को बांधते हैं बाइंडिंग वायर से वो हमारा नॉन इन्वेंट्री आइटम है हम असल चीज़ जो बेच रहे हैं वो है सरिया इसी तरह से जब आप ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी और चीज़ है जिसमें लेबल्स शामिल हैं जो हम अपने आइटम के साथ चिपकाते हैं इसके अलावा पैकिंग शामिल है शॉपर शामिल है हो सकता है कि हम दो तीन चीज़ें मिला के बेच रहे हैं उसके ऊपर जो लगा हुआ टेप है वो शामिल है ये तमाम कॉस्ट करते हैं लेकिन इनकी कॉस्ट इतनी नहीं होती कि हमें बहुत ज़्यादा इसका असर हो लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने ख़रीदी हैं किस प्राइस पर खरीदी हैं और जब हमने इन्हें इस्तेमाल या कंज्यूम कर लिया है तो हमारा एक्सपेंस कितना हुआ है मेन चीज़ बेचने में जितना हमें इनकम और जितना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा यकीनन उसका ये फ्रैक्शन भी नहीं होंगे लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड ज़रूर करते हैं कि हमने ये तमाम चीज़ें खरीदी हमारे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इनको हमने एक्सपेंस आउट कर दिया जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन इन्वेंट्री आइटम सपोर्ट करता है हमारे मेन आइटम में हो सकता है उसकी पैकिंग हो।, हो सकता है कोई प्लास्टिक की टाई हो कोई बाइंडर हो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि इस्तेमाल हो गई है फॉर द सेक ऑफ़ मेकिंग आर प्रोडक्ट मोर प्रजेंटेबल टू आर कस्टमर्स और उनको ईजीली हैंडल करने के लिए तो ये होते हैं हमारे बेसिकली नॉन इन्वेंट्री आइटम जो कि हम अपने पास उनका ख़र्चा ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं लेकिन वो ट्रैक नहीं होते लाइक आर इन्वेंट्री इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में वो उस तरीके से दाखिल नहीं होते और यही इनका मेन डिफरेंस है इन्वेंट्री आइटम के साथ इन्वेंट्री आइटम अगर आप देखें अगर हम एक किसी दुकान पे कोई बड़ा सा आइटम बेच रहे हैं और जब भी उसे हम ट्रांसपोर्ट करने लगेंगे तो हम उसको अच्छी तरह पैक करके अपने क्लाइंट के कस्टमर को देंगे और जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो हम उस पैकिंग के अलहदा से कीमत वसूल नहीं करते अपने क्लाइंट से क्योंकि उसकी वैसे ही कीमत बड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मेन आइटम और यही डिफरेंस है बिटवीन इन्वेंट्री आइटम नॉन इन्वेंट्री आइटम नंबर वन इज़ प्राइस बट द बिगेस्ट वन इज़ दैट इन्वेंट्री आइटम इज़ ट्रैक्ट इज़ पार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑल द वे थ्रू जब से ख़रीदा जब से स्टोर किया जब बेचा तमाम पे इसके असरात पड़े नॉन इन्वेंट्री आइटम प्राइस में बहुत कम है इसे जब खरीदा तो ये हमारा एक एक्सपेंस हुआ और जब इस्तेमाल हो गया तो ये कंज्यूम हो गया और ख़त्म हो गया तो इसको हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। अब आपको डिफरेंस भी इनके समझ में आ गई अब आप छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लें इन्वेंट्री आइटम्स की क्या हो सकती हैं हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है तो उसके अंदर जितनी भी अशियाँ हैं वो सारे हमारे इन्वेंट्री आइटम्स हैं हमारे पास एलसीडी है हमारे पास रेफ्रिजरेटर है हमारे पास फ्रीज़र है, है हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हम बेचने के लिए रखा हुआ है वो हमारा एसेट है और वो है हमारा बेसिकली इन्वेंट्री आइटम इसी तरह से अगर हमारे पास कोई स्टोर है रिटेल की दुकान है उसमें जितनी भी अशिया हमने रखी हुई हैं वो सारा हमारा एसेट है अगर हमारे पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान है तो उसके अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं वो सारे हमारे एसेट हैं अगर हमारे पास गाड़ी का शोरूम है तो यकीनन गाड़ियाँ हमारे एसेट हैं अब इसी तरह से हम नॉन इन्वेंट्री आइटम की भी एग्जाम्पल ले लें अगर आपने वो गाड़ियाँ अपने ग्राहक को दे रहे हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए तो उसके अंदर मैट्स डाल देते हैं या की चेन दे रहे हैं तो ये हमारा नॉन इन्वेंट्री आइटम है इसका हम बहुत ज़्यादा हमारा प्राइस डिफ्रेंस आपको नज़र आ रहा है कहाँ गाड़ी और कहाँ की चेन ये हम अपने पास ख़रीद के जरूर रखते हैं लेकिन हम इसको ट्रैक नहीं करते कि हमारे पास कितने पड़े हैं कहाँ गए हमें अंदाज़ा होता है कि हर गाड़ी के साथ एक की ही हमें देना है और इसको हम एक्सपेंस आउट उसी तरह करते रहते हैं इसी तरह से हमारे पास अगर जनरल स्टोर है उसमें हम ऑफर दे रहे हैं और दो तीन चीज़ें इकट्ठी हम पैक कर रहे हैं तो स्कॉच टेप से जिससे हम वो चीज़ बांधेंगे वो हमारा नॉन इन्वेंट्री आइटम है और जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी जब हम सरिया बेचते हैं तो हम सरिए को आपस में बांधते हैं लोहे की तार से वो भी हमारा नॉन इन्वेंट्री आइटम कंसिडर किया जाएगा

फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम में साथ साथ होती रहती है एंड दिस इज द मेन आइटम ऑन विच बिजनेस इज कॉन्सेंट्रेट यानी बिजनेस का दारो मदार ही आपके मेन इन्वेंट्री आइटम पे है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच